नीट पीजी एक ऐसा एग्जाम जो किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए लाइफ डिसाइडिंग स्टेप बन गया है। दो तीन या इवन चार चार ट्राई देते हैं लोग, फिर भी पीजी की सीट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है भैया। 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर बार नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, एंड उसमें से अगर आपको गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट चाहिए तो 5,000 से भी कम रैंक लाना पड़ेगा। हर बार मेरिट्स अप जा रहे हैं, नई नई जनरेशन और भी ज़्यादा टैलेंटेड आ रही है, एंड ऊपर से गवर्नमेंट के फ्रस्ट्रेटिंग डिसीजंस। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कुल मिला के इस माहौल में अगर आपको नीट पीजी क्रैक करना है तो माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा भैया। सिंगल डिजिट का गोल सेट करने से लेकर सिलेक्टिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, ग्रॉस एंड फाइन टाइम टेबल्स, लिमिटिंग योर रिसोर्सेज एंड टाइम के एक एक सेकंड का प्रोडक्टिव यूज करके कैसे आप अगले 7 से 8 महीनों में इवन ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंच सकते हो, उसका मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ प्लानिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो मैंने खुद यूज किया था एंड जिसने मुझे नीट में ऑल इंडिया रैंक 186, एम्स में 76 एंड जिपमेर में तो इवन ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के लिए हेल्प की थी। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है या फिर ये आपका ड्रॉप अटेम्प्ट हो सकता है। जो भी हो, अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ पर्पज़ है आपका ये एग्जाम देने का। ऐसे ही शौक के लिए तो आप दे नहीं रहे हो, कुछ विजन है आपका ये एग्जाम देने के बाद। आपकी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच, ड्रीम रैंक एंड अगली 70 साल की ड्रीम लाइफ इस एग्जाम के ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंडेंट है। तो वो मिले उसके लिए आप चाहे पढ़ाई करो ना करो, बट एक चीज़ सबसे पहले करनी पड़ेगी एंड वो चीज़ है आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा आज से और अभी से ही। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मेरा गोल होता ऑल इंडिया रैंक 1 का, जो कि ऑब्वियसली मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब था। क्या बोला तूने? यस, 8 months आर मोर देन इनफ टू गेट इवन ऑल इंडिया रैंक 1। बस आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो आज ही अपना गोल लिखो, आपका ड्रीम रैंक, ब्रांच, कॉलेज एंड टाइम, जो भी चाहिए जिस टाइम पर चाहिए वो सब कुछ क्लियर कट एक पेज में लिखो। एंड मैं बता रहा हूँ भैया आपको कि अगर आपने ये स्टेप नहीं किया, ये गोल आपने नहीं लिखा, तो आप कितने भी हैरिसन या रॉबिन्स पढ़ लो, आपका रैंक आने वाला नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है ना, वो ऐसे आपकी कॉलेज या स्कूल की एग्जाम्स की तरह नहीं होती है कि ऐसे ही खेलते कूदते रैंक ले आओगे। उसके लिए आपको माइक्रो लेवल पर छोटा छोटे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और उस चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप टॉप रैंक ला सकते हो। सो जस्ट एक बार पिन पॉइंट करके आपका गोल लिख दो। आपका अभी कितना भी लेवल हो, चाहे कितना भी रैंक आता हो, बट आपको अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऑल इंडिया रैंक 1 फैसिनेटिंग लगता है एंड ऐसी टॉपर्स एंड सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीने का एक सपना है अंदर दिल में कहीं पे भी, तो ये गोल को लिख डालो। 8 महीने में करेंगे यार मेहनत उसको लाने के लिए। सब्सक्राइब करके मेरे से हर वीडियो में मिलते रहना बस। बट अभी आपका ऑल इंडिया रैंक 1, 10, 19, 70 जो भी रैंक लाने का सपना है उसको एक पेज में लिखो एंड ऐसा सोच लो कि अब तो ये रैंक लाके मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना भी टफ पेपर आए, कितनी भी कंपटीशन हो, अगली एग्जाम में ये रैंक मेरे नाम पर होगा एंड जब तक ये नहीं आएगा नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि सर हमने गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब हम पढ़े किस में से, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, हम कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो भैया इसका सिंपल एंड स्वीट आंसर है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठा लो एंड जस्ट स्टिक टू इट। मैंने मेरो यूज़ किया था, सो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। एंड मैं नहीं, सारे नीट एस्पिरेंट्स मेरो की ऑथेंटिसिटी से ऑलरेडी वाकिफ है। इतना क्रिस्प, कंसाइज एंड प्रोडक्टिव मटेरियल इतने ऑर्गेनाइज्ड हुए मैंने और कहीं पे नहीं देखा है। सो इवन फॉर माय पीजी आई एम यूजिंग मेरो ऑन डेली बेसिस टू क्लियर मेनी ऑफ माय सर्जरी कॉन्सेप्ट्स। इवन आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी तो भी आई विल सजेस्ट टू यूज एटलीस्ट प्लान बी ऑफ द मेरो, दैट इज क्यूबैंक एंड टेस्ट सीरीज। अब आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरो तो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही कॉस्टली भी है, तो कुछ शॉर्टकट रास्ता बता दो। तो भैया मैं जस्ट आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपके कोई भी 3-4 साल पुराने सीनियर को एक बार पूछना, इवन मैं भी हूँ 3-4 साल पुराना सीनियर, बट फिर भी अगर मेरा भी विश्वास ना हो तो किसी और आपका पहचान वाला हो उससे पूछना। लोग हैरिसन, रॉबिन्स, गाइटन्स और 19 सब्जेक्ट की ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के एग्जाम देने जाते थे, तब टॉप रैंक ले आ पाते थे एंड उन सबकी कंपेयर में मेरो 20% भी नहीं है। लेकिन वो जमाना आपने देखा नहीं है इसलिए आपको मेरो वास्ट लग रहा है, बट इतनी सारी कॉम्पिटिशन में अगर आपको टॉप रैंक लाना है तो मेरो तो करना ही पड़ेगा। दैट इज द लीस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट यू, नो अदर वे, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्राइस में भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। पहले ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के 1.5 लाख के पैकेजेस होते थे, उसमें भी सिर्फ क्लासेस, बाकी ऐप सब्सक्रिप्शन, रिविजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, उन सबके तो अलग से 10,000 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। एंड इतनी सारी चीज़ें आज के दिन आपको अगर 30-40 हज़ार में मिल रही है तो आई वुड रादर से यू आर वेरी लकी। बाकी फिर एक्सक्यूजेस बनाते रहो एंड एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आपको एक्सक्यूज दे देगा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज टू लिमिटिंग योर रिसोर्सेज। सबको लगता है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो टॉप रैंक आ जाएगा, नहीं, टॉप रैंक आता है भैया बहुत ही कम एंड लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ने पे। एंड सीधा बता दूं आपको तो सिर्फ 3 चीज़ें आपको ये 8 महीने में पढ़नी है। 1 नोट्स, 2 मेरो क्यूबैंक विद सिलेक्टेड वीडियोस एंड 3 MCQs। अब वो कैसे पढ़ना है सर,
तो उसके लिए आपके पास अगले 8 महीने के एक एक दिन का माइक्रो टाइम टेबल होना पड़ेगा एंड इट्स वेरी इजी, बताता हूँ आपको। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो 8 में से 5 महीने रीडिंग के लिए एंड 3 महीने रिविजन के लिए रखता। अब 5 महीने रीडिंग के लिए मतलब 4 सब्जेक्ट्स पर मंथ आएंगे आपके, क्योंकि टोटल 20 सब्जेक्ट है। अब 4 सब्जेक्ट कौन से रखे सर? तो आप कोई भी रख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वीक सब्जेक्ट्स पहले रखते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीक सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा ले सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप बाद में फटाफट कर सकते हो। अब वीक सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा सर? तो बताता हूँ, उसका भी आंसर है। सारी चीजों के स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भैया, वरना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो वीक सब्जेक्ट ऐसे हवाबाजी में अज्यूम नहीं करना है। द बेस्ट वे इज जस्ट गिव वन बेसलाइन मैरो ग्रैंड टेस्ट। यस, भले ही आपने अभी कुछ भी ना पढ़ा हो, आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो, एक बार 19 सब्जेक्ट का कंप्लीट ग्रैंड टेस्ट दे दो एंड उसमें एनालिसिस में जो लास्ट 4 सब्जेक्ट आते हैं वो हो गए आपके वीक सब्जेक्ट्स एंड उन सब्जेक्ट्स को आप पहले कर दो, दैट्स इट, सिंपल। दूसरी स्मार्ट चीज आप करोगे, ये 4-4 सब्जेक्ट्स को रैंडमली नहीं रखना है, क्योंकि 1 महीने में एक टाइम पर 4 मेजर सब्जेक्ट आ गए तो आप खत्म नहीं कर पाओगे एंड डिप्रेशन में चले जाओगे, एंड 4 माइनर सब्जेक्ट आ गए 1 महीने में तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे एंड बाद में भी प्रेशर आ जाएगा। सो द बेस्ट वे इज टू पुट 2 मेजर एंड 2 माइनर सब्जेक्ट्स इन 1 मंथ। आप कोई भी 2 मेजर एंड 2 माइनर रख सकते हो उसमें। अब ये करने के बाद थोड़ा और डिप में जाते हैं, सर कितने दिन मेजर को दे एंड कितने दिन माइनर को दे? तो भैया 10 दिन दोगे आप एक मेजर सब्जेक्ट को एंड सो टोटल 20 दिन फॉर मेजर सब्जेक्ट्स एंड 5 दिन फॉर माइनर सब्जेक्ट्स, टोटल 10 डेज फॉर माइनर सब्जेक्ट्स। सो टोटल मिला के आपके 1 महीने में हो गए 4 सब्जेक्ट, सिंपल। लेकिन सर 10 दिन में मेजर सब्जेक्ट करे कैसे? नॉट्स, क्यू बैंक, एमसीक्यू, सब कुछ कैसे खत्म हो पाएगा? तो उसके लिए और भी फाइनल शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। पहली बात तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, प्रॉपर सी ये चीज बरसों से करते आ रहे हैं एंड आप भी कर सकते हो। जस्ट गिव 3 डेज फॉर नोट्स एंड 7 डेज फॉर क्यू बैंक। अब नोट्स कैसे लाए सर? कितने क्वेश्चन है आपके भैया, बट कोई नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। होपफुली आपने वीडियोज या क्लासेस अटेंड करके खुद के सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, बट अगर नहीं बनाए हैं तो अपने फ्रेंड्स के नोट्स की जेरोक्स कॉपी पढ़ना बहुत ही डेडली डिसीजन है आपके लिए। रादर आई वुड एडवाइज टू गो फॉर मैरो नोट्स, क्योंकि आपके फ्रेंड के लिए कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट, एंड जरूरी नहीं है कि वो सेम आपके लिए भी हो। ऊपर से उसके हैंड राइटिंग, कलर्स एंड बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है आपकी प्रिपरेशन को। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो बार बार पढ़ने की इच्छा हो, रादर देन जस्ट ब्रेन पे एक बॉम्बार्डिंग करते रहना, क्योंकि एग्जाम में उसमें से 60-70% क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है तो आई वुड एडवाइज स्ट्रॉन्गली टू गो फॉर मैरो नोट्स, पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज यूज योर ओन नोट्स। तो 3 दिन में नोट्स पढ़ लो एंड 3 डेज आर मोर देन इनफ टू कंप्लीट नोट्स। आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा बट वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड इवन अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो भी वो पीछे क्यू बैंक में कवर हो जाएगा एंड बाकी के 7 डेज में आप मैरो का क्वेश्चन बैंक कर लो। अब 7 डेज में आपको मैरो के क्वेश्चन बैंक करोगे तो डेली के इवन हार्डली 10 से 12 मॉड्यूल्स आएंगे एंड दैट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल टारगेट। साथ में आप सिलेक्टेड वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है, आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है, तो उसका वीडियो आप साथ में देख सकते हो क्यू बैंक के दिन। एंड 10 दिन खत्म होते ही वो सब्जेक्ट आपका खत्म। आपको बहुत अर्ज होगी कि 2-4 चैप्टर और बाकी है, 2-4 दिन और ज्यादा पढ़ लेता हूँ, लेकिन नहीं, 10 डेज ओवर मतलब सब्जेक्ट भी ओवर, बिकॉज 70% ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज मच मोर बेटर देन 100% ऑफ फ्यू सब्जेक्ट, एंड लास्ट में 3-4 सब्जेक्ट टोटली ब्लैंक छोड़ देना। सो शेड्यूल को आपको आज से ही स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ेगा, वरना पीछे आपके 3-4 सब्जेक्ट रह जाएंगे अगर आप हर सब्जेक्ट को ऐसे 3-4 दिन एक्स्ट्रा देते रहते हो तो। एंड ऐसे ही सेम करना है आपको माइनर के लिए, 1.5-2 डेज फॉर नोट्स एंड 3-3.5 डेज फॉर क्यू बैंक। इतना सिंप्लीफाई करके इतना डिटेल्ड शेड्यूल बना के दे रहा हूँ भैया आपको, जो चीजें सीखने में मुझे बरसों लगे थे वही सारी चीजें डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ। आज ही सब्सक्राइब कर लेना, इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल टिप्स आपको आगे देने वाला हूँ। जस्ट आपको मेरे वीडियोस को पूरा का पूरा देख के उसको अप्लाई करने के लिए रेडी रहना होगा। बस मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ऐसे चुटकी बजाते बजाते आप रैंक तक पहुंच जाओगे एंड ऐसे पूरे 5 मंथ का डिटेल्ड शेड्यूल आपके पास होना चाहिए अभी से ही भैया। ऐसे ही रैंक्स नहीं आते हैं, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और टाइम की 1-1 सेकंड का प्रोडक्टिव यूज एंड बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपर्स करते हैं, बट उनके पास ये सारी चीजों का डिटेल में बताने का टाइम नहीं होता है। एंड आपको क्या लगता है सिर्फ पढ़ाई करने से रैंक आ जाते हैं? तो नहीं भैया, पढ़ाई के साथ एक चीज उसके जितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। यस, डेली के आपको 100 MCQ सॉल्व करने ही पड़ेंगे एंड उसके लिए 3 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अपना ब्रेन का एक्टिव मेमोरी शार्पनिंग नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते रहोगे एंड आपका रैंक कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। एंड वो करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैरो के कस्टम मॉड्यूल्स, सिलेक्ट ऑल टैग्स, ऑल द 19 सब्जेक्ट्स एंड विथ मॉडरेट डिफिकल्टी, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 19 सब्जेक्ट्स ही आएंगे एंड पेपर भी मॉडरेट डिफिकल्टी का ही आएगा, ना बहुत इजी होगा ना बहुत हार्ड होगा। एंड भले ही आपने एक भी सब्जेक्ट्स ना पढ़ा हो, आपको कस्टम मॉड्यूल 19 सब्जेक्ट के ही देने हैं। इसका बेनिफिट आपको 1-2 महीने के बाद पता चल जाएगा। 19 सब्जेक्ट्स के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
एंड इतनी एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स आप जान जाओगे सबकॉन्शियसली कि आपको पता भी नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपको कॉम्पिटिशन में अप कर देगा। एंड लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर 20 दिन में एक ग्रैंड टेस्ट देना ही देना है। यस, सबसे बड़ी गलती जो 99% स्टूडेंट्स करते हैं वो यही है, सोचते हैं कि 19 सब्जेक्ट्स खत्म करके ग्रैंड टेस्ट देते हैं। तो भैया लिख के ले लो, आप एक साल नहीं 10 साल भी पढ़ लोगे तो भी ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि आपको लगेगा कि हर्ष चलो 19 सब्जेक्ट खत्म हो गया अब ग्रैंड टेस्ट देता हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना कम है। सो चाहे आपके 2 सब्जेक्ट हुए या 10 सब्जेक्ट, ग्रैंड टेस्ट हर 20 दिन में देना ही देना है, ऑल 19 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करके। एग्जाम रिजल्ट के मेजर डिप्रेशन की कंपेयर में अभी छोटा मोटा टेंशन आए वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। एंड मैं तो बोलता हूँ कम रिजल्ट आए तो अच्छी बात है ना, पता चलेगा कि कितनी जर्नी बाकी है। एंड टेंशन की जगह पे एक जुनून आना चाहिए कि साला देख अब तो नेक्स्ट टेस्ट में, तू देख 1 महीने में इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट में वो सीधा टॉप 50 में पहुंच के दिखाता हूँ। एंड आप आओगे, लिटरली आओगे, जस्ट एनालाइज योर ग्रैंड टेस्ट एंड राइट डाउन योर मिस्टेक्स कि इस बार टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ था, या फिर इस बार सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गई, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लिए थे, या फिर एनवायरमेंट में मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था, बार बार पेशाब करने जाना पड़ा है, जो भी। राइट डाउन एवरी सिंगल स्मॉल या बिग मिस्टेक यू हैव डन ड्यूरिंग योर ग्रैंड टेस्ट एंड वो मिस्टेक लिस्ट आपको अगले ग्रैंड टेस्ट या अगले कस्टम मॉड्यूल के पहले देखना है एंड उसको रिपीट ना हो उसका ध्यान रखना है। आप एक बार देख लोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक कॉन्शियस हो जाता है और वो रिपीट नहीं करता है, एंड ऐसे आपका डेली एनालिसिस से स्कोर इंप्रूव ही होता जाता है। ग्रैंड टेस्ट में वीक सब्जेक्ट्स देखो, कौन से वीक सब्जेक्ट्स है, और ये भी देखो कि आपने ग्रैंड टेस्ट देने से पहले जो रिसेंटली 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसमें कैसा रिजल्ट है। उसमें तो 95+ होने ही चाहिए क्योंकि वो अभी आपने अच्छे से पढ़े। अगर नहीं है तो उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें आपकी मिस्टेक हुई है कि अच्छा ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दी थी, मुझे लगा था कि ये तो नहीं आएगी, बट यही चीज़ें जो एमसीक्यू में ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करती है, तो अब आगे जो भी सब्जेक्ट करूँगा उसमें मैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखूँगा, एक एक वर्ड पर फोकस करूँगा, इन सारी सारी चीज़ों को याद रखूँगा। एंड ऐसे अगर आप डेली एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट करते हो तो बिलीव मी आपको आगे एंड आगे बढ़ने से, बेटर एंड बेटर रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ मैरो के कस्टम मॉड्यूल एंड ग्रैंड टेस्ट देने हैं और कोई चीज़ों पर टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। दिन के मिनिमम 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा भैया, वो भी एक्सट्रीम स्मार्ट वर्क के साथ, क्योंकि आप उस बंदे से कॉम्पिटिशन कर रहे हो जो 4 साल से पढ़ रहा है एंड वो हर बार टॉपर रह चुका है कॉलेज में। एंड अगर आपको उसको कॉम्पीट करके 5 महीने के अंदर अंदर उसको बीट करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। एंड ऐसा मत सोचो कि सर हमको तो टॉप रैंक लाना ही नहीं है तो हम इतनी मेहनत करके क्या करें, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे 5-10 हज़ार रैंक आ जाएगा उतनी। तो भैया ये चीज़ भी लिख के ले लो कि अगर आप 5 हज़ार के रैंक का गोल बना के चलते हो तो आपका रैंक 25 हज़ार ही आएगा। सो टॉप 10 या टॉप 100 का गोल नहीं बनाना है तो मेहनत करना ही छोड़ देना। कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा हो रखी है भैया कि राइट माइंड सेट एंड एनर्जी के साथ चलना ही पड़ेगा अगर आपको सीट चाहिए तो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपके वीडियोज़ तो 50 हज़ार लोग देखते हैं तो क्या 50 हज़ार बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएंगे? तो नहीं, सिर्फ वीडियोस देखने से रैंक नहीं आती है भैया। वो 50 हज़ार में से सिर्फ 5 हज़ार लोग ही ये वीडियो को इंप्लीमेंट करेंगे एंड वो 5 हज़ार में से भी 500 लोग ही होंगे जो 5 महीने तक कंटिन्यूअस इस पे टिके रहेंगे एंड वो 500 में से भी जो सबसे बेस्ट एंड डेडिकेटेड मेहनत करेगा एंड साथ में बेस्ट एंड डेडिकेटेड रिविजन भी करेगा वही ले जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला बंदा या बंदी आप भी हो सकते हो। जस्ट मेरे हर एक वर्ड को आप फॉलो करते रहते हो तो आपको आपका ड्रीम रैंक अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी सारी कहानी को अगर आप समराइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि इट्स द मोस्ट सिंपल प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ स्ट्रेटेजी, सिर्फ एंड सिर्फ मैरो नॉट्स, मैरो क्यूबैंक एंड मैरो ग्रैंड टेस्ट, सिंगल सोर्स एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस, नथिंग एल्स। एंड दैट टू इन वेरी इनफ टाइम, अगर आप शेड्यूल को ऐसे मैनेज करते हो तो। आपका दोस्त कुछ भी बोले कि ये अच्छा वो अच्छा ये कर ले वो कर ले, नहीं, मैंने जो बताया है उस पर ट्रस्ट रखो एंड आज से ही गोल बना के मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सारा दर्द तकलीफें स्ट्रगल्स सब कुछ वसूल होगा एंड आप एग्जाम के बाद एक ग्रैंड स्माइल के साथ बाहर आओगे। इतने सारे प्रैक्टिकल वीडियोज और भी लाऊंगा जो आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, पता है ना बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है अगर नहीं करोगे तो। बाकी इससे भी ज्यादा एक पावरफुल वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जो इसके बाद तुरंत देख लेना, यहाँ पर आ जाएगा सोने पे सुहागा हो जाएगा, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।